हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड सीनियर केजी, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको आपकी किताब में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की लिखावट किस तरह से होती है वो सिखाया था। आज हम वो दोनों स्वर नोटबुक में किस प्रकार से लिखने हैं वो सीखेंगे, तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले छोटा उ, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको, आपकी नोटबुक में ऐसी जो जैसे मैंने लाइन यहाँ खींची है ना, वैसे आपको लाइन बना देनी है। उसके बाद दो लाइन में छोटा उ और दो लाइन में बड़ा उ लिखने की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे मैंने लिखा है उसी प्रकार आपको लिखना है। तो छोटा उ हमने किस प्रकार से लिखा था किताब में, याद है ना आपको? कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से ऐसे करके, ऐसे बीच में फिर वापस ले जाकर ऐसे करके ऐसे, और ऊपर शिरो रेखा। समझ में आ गया? ए उसे उल्लू हो गया ना। फिर से एक बार देखिए, ऐसे करके ऐसे वापस ऐसे ले जाकर ऊपर की ओर, और ऊपर सिरो रेखा। ये हो गया हमारा छोटा ऊ, यानी कि उसे उल्लू। इसी प्रकार आपको ये दोनों लाइनों में लिखते जाना है और बोलते जाना है। उसके बाद बड़ा ऊ, कौन सा ऊ? बड़ा ऊ। तो उसकी लिखावट किस तरह से की थी हमने? पहले हमने जैसे छोटा ऊ लिखा ना, उसी प्रकार आपको लिखना है। कैसे? ऐसे करके ऐसे वापस ऐसे। फिर इसमें क्या ज्यादा करना होता है बड़े ऊ में? ऐसे करके ऐसे। ये हो गया हमारा बड़ा ऊ, ये ऊ और ये ऊ। फिर से एक बार देखे, यहाँ से शुरू करना है, फिर गोल करना है वापस ऊपर की ओर, फिर ए वाला और ऊपर सिरो रेखा। उसे ऊन, बड़े वाले उसे क्या होता है? ऊन। छोटे वाले उसे उल्लू। समझ में आ गया? उसे उल्लू, उसे ऊन। तो बच्चों, आपको ये दोनों की लिखावट समझ में आ गई ना? आपको ये पेज ऐसे ही लिखते जाना है और बोलते जाना है, और ये दोनों स्वरों की लिखने की प्रैक्टिस करनी है। इसे पूरा पेज आपको कंप्लीट करना है। तो बच्चों, अब तक हमने कितने स्वर सीखे, याद है आपको? एक बार हम फिर से देख लेंगे। सबसे पहले कौन सा स्वर आया था? अ। किस प्रकार से लिखना होता है वो? ऐसे। कैसा होता है? ऐसा। अ से अनार। अ के बाद आ। आ से आम। फिर छोटी ई, इसे इमली। फिर छोटी के बाद बड़ी, बड़ी से क्या होता है? ईक। फिर बड़ी के बाद छोटा ऊ, उससे क्या होगा? उल्लू। और छोटे ऊ के बाद बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से ऊन। तो हमने कितने स्वर सीखे? अ आ ई ई ऊ ऊ। यहाँ तक के स्वरों का अभ्यास हमने पूरा कर लिया है। अब बड़े ऊ के बाद जो स्वर आते हैं उसका अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। गुड बाय बच्चों।